वाला हमने पहना लिया था, ये हम पहनाते हैं। और ये पोशाक में उन्होंने बांसुरी हमें साथ में दी है, ये देखिए है ना सुंदर सी, ये छोटे लाला की है और ये बड़े लाला की है। और ये जितने भी आप पोशाक देख रहे हैं ये है ना इंच के हिसाब से, मतलब 50 रुपीज़ इंच, 60 रुपीज़ इंच, वैसे अलग अलग है तो इंच के हिसाब से ही हैं सारे कपड़े। और ये पटका है, छोटा सा दिया है उन्होंने, पहना के देखते हैं साइज़ कैसी है इसकी। कभी कभी थोड़े से महंगे लगते हैं छोटी साइज़ में, तो आपको इजीली आपके प्राइस रेंज में मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और इनके पास तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, वेस्टर्न, इंडियन, जैसा भी आपको पहनने का मन हो, लाला को पहनाने का मन हो आपका, वैसा आपको मिल जाएगा। ट्रस्टेबल हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है। इसमें भी इन्होंने ऐसे गैप दिया है पहनाने के लिए, इन्होंने नहीं खोला है, ठीक है हम लाला को पहनाते हैं। मैं थोड़ा ऐसे घुमा देती हूँ, आ जाओ बेटा थोड़ा मेरे को भी दिखा दो अपना सुंदर सा चेहरा, मुझे ना दिखाओगे तो किसको दिखाओगे, हाँ मुझे ना दिखाओगे तो किसको दिखाओगे बेटा। थोड़ा सा ऐसे कर लो, हाथ हाथ इधर दो, मुझे हाथ इधर दो। ये बोल रहे हैं पता नहीं मेरी बहन को क्या गया, सारे कपड़े पहनाती है और पहना के बाद में वीडियो बना के फोटो खिंचवा के निकाल देती है। बनाते तो आ गई, खाली फोटो फोटो खींच के वीडियो वीडियो बना के निकाल देती है। ऐसे ही करते हैं बेटा सब, अभी पहन लोगे तो बर्थडे के दिन क्या करोगे। मम्मी कहती घर बाहर लुटा दे रही है ये लड़की। ये पगड़ी पहन लेना, नाड़ा नहीं बांधती, अभी खाना खाए हो ना तो नाड़ा नहीं बांधूंगी, ठीक है सब समझ जाएंगे कि कोई बात नहीं, सुनता लगेंगे, नाड़ा बाद में बांध लूंगा मैं बेटा। अच्छा मैं ऐसे घुमाती हूँ, ये देखिए चढ़ा, ये सुंदर सी बांसुरी, ये हम ऐसे रखेंगे। शुंदा शुंदा। है ना खुशबू भी बहुत अच्छी है, कहाँ गया इनका, ये रहा तो फुल बड़ी साइज है, आ है इसका टॉप कहाँ गया ऊपर का, इतने सारे कपड़े में कहाँ भूल गए हैं। मिल गया फाइनली हमको, और दोनों का अलग अलग कलर देखो, इन पिंक दिया इनको वाइट दिया है, मतलब मल्टी कलर में ही है लेकिन अलग अलग है। अरे बेटा इधर दे दो मुझे, अलग अलग पहनेंगे अलग अलग, मेरे को लगा दोनों सेम ही होगा लेकिन अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न तो एक ही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। दिखा ना बेटा चोली जरा दिखा, हाँ थोड़ा कड़क है ये लेकिन कोई बात नहीं। अरे इसको तो खोलना पड़ेगा, इसको तो खोलना पड़ेगा, कैसे जाएगा अंदर ये वाला, ये नहीं जा रहा है, ये यहाँ से गया। आहा नहीं पहनोगे तो फिर तुम्हें तुम्हारे सारे कपड़े ढीले पड़ेंगे बेटा, बड़ी मुश्किल से पहने हैं इसको, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पहनना पड़ता है, थोड़ा सा हैवी है ना पोशाक एक्चुअली, इसीलिए ये देखिए है ना, ये ऐसे हैवी पोशाक में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है पहनाने बनाने का, इसे एक थोड़ा सा ये इनकी पगड़ी, ये इनकी सुंदर सी बांसुरी। देखो बेटा ऐसे रखो ऐसे, ये थोड़ा सा ये बस हो गया। और ये हमारे दोनों सुंदर बाबू है ना, प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। कपड़ा थोड़ा ध्यान से पहनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़े से हमने इस बार हैवी कपड़े मंगा लिए इनके लिए, ये वाले हमने कि चलो ठीक है, मेरा बड़ा मन था इनको पहनाने का, ये मेरा नया फैशन आया तो हम लोग तो अपने लिए पहनते हैं, नया फैशन आता है बच्चे जिद करते हैं मम्मी ये चाहिए तो हम ला के देते हैं ना, पैसा हमारे काला के लिए भी हमें, देखिए ऐसा नहीं है कि आप एकदम लुटा दो बर्बाद दो जितनी, लेकिन अगर आपकी मतलब है कि आपको लगता है कि आप उसी हिसाब से सेवा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं है तो फिर एकदम आप दिल पे ले लें कि नहीं मैं नहीं पहना पा रही, ऐसा नहीं,
वो भी उस लायक आज नहीं तो कल बना ही देंगे कि आपकी भी जैसी इच्छा होगी उन्हें पहनाने की, तो वो आपको वैसा ला करके दे ही देंगे। लाला मेरे पास भी नहीं था इसके लिए पैसे, ये तो इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से एडजस्ट करवा के ले आया, क्योंकि इनको खुद भी तो पहनना था ना। तो ये हो गया, अब एक लास्ट हम पिंक कलर वाला पहना देते हैं बड़े लाला के लिए, छोटे लाला को भी ऐसा हमने सेम पहनाया था ना। ये फटाफट ये पहनाती हूँ मैं, ये निकाल देती हूँ, इनको अच्छा तो लग नहीं रहा है मैं कपड़े निकाल रही हूँ तो इनको ऐसे, लेकिन निकालना तो पड़ेगा, यही निकालेंगे तभी तो दूसरा कपड़ा पहन के ट्राई करेंगे ना राजू बेटा। हाँ तो फिर अरे ध्यान से ये वाला भी पहनाते हैं, जरा देखते हैं कैसे लग रहे हो आप, सुंदर तो आप हो ही, सुंदर तो आप लगते ही हो। हाँ मेरे बच्चे की नींद आज खराब हो गई बताओ। हाँ लेकिन कपड़ा पहनने की इतनी एक्साइटमेंट थी ना, कल से पार्सल रखे हुए थे दो, इनको ऐसा था कि कब मेरी सखी मुझे पहनाए, कब मैं पहनूं। है तो बचपन ही, बचपना ही है ना, बाल ही स्वरूप है। तो फिर अगर हमारे बच्चे रहते हैं छोटे घर में तो वो कैसे जिद करते हैं हर चीज के लिए, है ना, करते हैं ना, आपके भी घर में करते ही होंगे। लाला भी तो वही है ना, फ्लेयर वाले हैं देखो मस्त, फ्लेयर 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 फ्लेयर। ओ ओ थैंक यू कॉपी। एक चीज का तो है कि आज तक मैंने जो भी लाला को बोला है कि जैसे मेरी इच्छा होती है ना, जैसे बच्चों को नया नया कपड़े पहनाने की सारी चीज़ों की इच्छा होती है माँ बाप को, वैसे मेरी जितनी भी इच्छा है ना इनको कपड़े पहनाने की, कि मैं ये पहनाना चाहती हूँ, मैं वो पहनाना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे पास अभी नहीं है, इस महीने नहीं है, और मेरी ऐसी इच्छा है कि काश मैं ये पहनाऊँ, मैं बोल देती हूँ लाला देखो मेरा मन है कि मैं आपको ये पहनाऊँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर दो ना कहीं से, धन लक्ष्मी अगर एडजस्ट होती है तो कर देते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ों के लिए क्यों नहीं मानेंगे, है ना। शेर बेटा है मेरा, प्यारा बाबू है, हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर हो आप, बहुत ज़्यादा, मैं बेटी जैसे सुंदर कौन आया, आ देखो। है ना प्यारे लग रहे हैं ना। आप भी अगर अपने लाला को ऐसे पोशाक पहनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे, कि जैसे कि आपने देखा एकदम साइज परफेक्ट है, मटेरियल भी मुझे अच्छे लगे, ये थोड़ा से हैवी है तो थोड़ा सा ध्यान से पहनाना पड़ेगा आपको, ताकि ये सब निकल ना जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे चिपकाया ही रहता है। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जहाँ पे करता हूँ पिन कर दूंगी, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दूंगी। पोशाक आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम फटाफट पहले इनको सुलाएंगे, क्योंकि दोपहर इनकी वैसे भी ख़राब हो गई है, जल्दी सुबह उठ जाते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हरी बोल, जय श्री राधे।